हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओदेस एकेडमी। तो दोस्तों, हम लोग जो अभी सब्जेक्ट पे डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। इसमें हमने एरर्स के बारे में पढ़ा है। कोई भी अगर डायमेंशन मेज़र करनी है तो हम जानते हैं कि उसमें एरर कैसे मेज़र होता है, और हमने ये देखा कि वो लीस्ट काउंट के बराबर होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक जो डायमेंशन होता है वो हमें एक बार में नहीं बल्कि कई बार में मेज़र करना पड़ता है। जैसे कि मान लिया कि आपको एक बिल्डिंग मेज़र करनी है, या मान लिया एक कमरा के साइज़ मेज़र करना है, तो कमरे के साइज़ में मान लीजिए कि कमरे का साइज़ वो 10 मीटर से ज़्यादा है या 10 फीट से ज़्यादा है, और आपके पास जो एक इंची टेप है या जो मेज़रमेंट का है उसको आपको दो बार, तीन बार, चार बार मेज़र करना पड़ता है, तो आपको हर बार जो है वो एरर आपकी उसमें जुड़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से जो एब्सोल्यूट एरर है उसको हम समझेंगे कि एब्सोल्यूट एरर कैसे मेज़र की जाती है। तो अब जैसे मान लिया कि एक डायमेंशन है ए, और जिसके अंदर जो एरर है वो है डेल्टा ए। फिर आपने क्या किया कि दोबारा एक डायमेंशन मेजर की बी, और उसके अंदर जो एरर आई डेल्टा बी। अब अगर हम जेड को लें जो कि ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, तो इन दोनों सिचुएशन में जो मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर होती है ये दोनों का सम टोटल होती है। अब आप ये कह सकते हैं कि जब हम एरर यहाँ पे माइनस साइन आता है तो हम इसको घटाते क्यों नहीं है। इसको देखिए, घटा नहीं सकते। कारण क्या होता है, एरर हमेशा जुड़ती है। अब जैसे मान लिया कि आपको मेज़र किया आपने पहले 5 फीट, और फिर उसने आपने 2 फीट और मेज़र किया और उसको घटा करके 3 फीट आपने किया, तो जब आप इस तरीके से मेज़र करेंगे तो जो 3 फीट की जो डायमेंशन आएगी उसमें दो बार एरर आएगी। एक तो 5 बार में आएगी, फिर जब 2 बार में आएगी। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि जब भी हम मेज़रमेंट करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर्स हमेशा जुड़ती हैं, वो एब्सोल्यूट एरर्स जो है वो घटती नहीं है, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे डिवीज़न हो। अब हम देखते हैं कि एक तो हमने एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात की, दूसरा होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है कि अगर मान लिया आपने कोई डायमेंशन मेज़र किया जिसमें एरर है डेल्टा ए और वो डायमेंशन है ए, तो ये जो रिलेटिव एरर है वो हो गई आपकी डेल्टा ए बाई ए। अब मान लिया कि जो जेड है वो एक डायमेंशन है जिसमें कि दो मेजरमेंट है, एक तो ए और दूसरा है बी, या ए डिवाइडेड बाय बी। इन दोनों केसेस में जो रिलेटिव एरर होती है वो होगी डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो आपने देखा कि जब हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इन दोनों केसेस में जो रिलेटिव एरर है वो हमेशा जुड़ती है। अब ये तो हमने देखा कि एक सिंपल डायमेंशन है जैसे ए टू द पावर 1 या बी टू द पावर 1 हुआ। कई बार इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे कि अगर मान लिया जेड इज इक्वल टू ए टू द पावर पी मल्टीप्लाइड बाई बी टू द पावर क्यू मल्टीप्लाइड बाई सी टू द पावर आर। अब ये एक आपने देखा कि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं और इनकी तीनों के अलग अलग पावर हैं। इस सिचुएशन में अगर हम एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर को मेज़र करेंगे तो डेल्टा जेड बाई जेड विल बी इक्वल टू पी टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी। तो यहाँ पे भी आपको ये देखना होगा कि चाहे ऊपर की पावर प्लस हो या माइनस हो, ये हमेशा जुड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जो कि आप जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जब डिफरेंशियल इक्वेशंस आगे आप पढ़ेंगे तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कितनी सिंपल तरीके से हो सकती है। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो इसका जो डेरिवेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे या कहीं पर देखेंगे या एनसीईआरटी किताब में दिया भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना। हम क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। तो लॉग जेड विल बी इक्वल टू पी टाइम्स लॉग ए प्लस क्यू टाइम्स लॉग बी प्लस आर टाइम्स लॉग सी। जो लॉग होता है, जो नेचुरल लॉग होता है, उसको हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे अपने रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाता है, dz अपॉन z विल बी इक्वल टू पी टाइम्स डी ए अपॉन ए, क्योंकि जो z कोई भी जो लॉग होता है उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 बाई दैट, जैसे अगर लॉग z का करेंगे ये हो जाएगा 1 बाई z।
तो इस तरीके से हो गया डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू पी टाइम्स डी ए बाई ए प्लस क्यू टाइम्स डी बी बाई बी प्लस आर टाइम्स डी सी बाई सी। और इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो हम पाएंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड विल बी इक्वल टू पी टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्यू टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी। तो आपने देखा कि ये सेम फार्मूला आपका आ गया। तो ये तरीका बड़ा सिंपल होता है और इसमें हम किसी भी तरीके की जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी की किताब में दी हुई। ये प्रॉब्लम इस तरीके से है, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका जो पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है वो है टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 20 सेंटीमीटर और इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 1 मिलीमीटर और जो टाइम है उसमें जो 100 ऑक्सीलेशंस हैं उसको मेज़र किया गया है 90 सेकंड में एक रिस्ट वॉच से जिसकी की जो लीस्ट काउंट है दैट इज़ इक्वल टू 1 सेकंड ऑफ रिजोल्यूशन। इसमें जो सवाल है कि जो जी मेज़र कर रहे हैं दैट इज़ ग्रेविटी, उसमें कितना ज़्यादा एरर पॉसिबल है। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। हमें ये दिया हुआ है सबसे पहले कि जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, जो एरर इन लेंथ है डेल्टा एल वो दिया हुआ है आपको 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो टाइम दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 90 सेकंड और जो एरर इन टाइम है या जो डेल्टा टी है दैट इज इक्वल टू 1 सेकंड। अब हम इसको यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमें ये दिया हुआ फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन जी। तो जी कितना हो गया, जी हो गया 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर। अब हम जब जी में एरर करते हैं तो जैसा हमने पिछले फार्मूले को इस्तेमाल किया था डेल्टा जी अपॉन जी कितना हो जाएगा, एल की पावर 1 है तो हम इसको करेंगे डेल्टा एल अपॉन एल और इसमें क्या जोड़ेंगे 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी। अब देखिए आपको सारी डायमेंशंस यहाँ पे दी हुई हैं, आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो डेल्टा एल की वैल्यू आपको दी हुई है 0.1, एल दिया हुआ है आपको 20 प्लस 2 जिसमें डेल्टा टी आपको दिया हुआ है 1 और टी दिया हुआ है 90। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 0.032। तो ये तो हो गई आपके रिलेटिव एरर। जब हम परसेंटेज एरर निकालते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो हमारे पास में आ जाता है वैल्यू 3.2%, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं राइट डायमेंशंस में 3%। इस तरीके से आपने देखा कि हम कैसे एब्सोल्यूट एरर को मेज़र करेंगे अगर एक से ज़्यादा उसमें मेज़रमेंट इन्वॉल्व हैं, या हम कैसे जो रिलेटिव एरर है उसको मेज़र कर सकते हैं चाहे जितनी भी कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रॉब्लम हो। तो ये प्रॉब्लम हमने आपको एक्सप्लेन की और इसी के बेसिस पे आप बाकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसको आपको देखने के लिए, आप इस चैप्टर को जारी रखें। अब इसमें हम आगे भी और भी लेक्चर्स हैं जिसको कि हम डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।